नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सुप्रीमो व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर पटना में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ सोमवार को विपक्ष का बिहार बंद है। रालोसपा के इस बंद के दौरान महागठबंधन में शामिल तमाम विपक्षी दलों ने उन्हें समर्थन भी दिया। सोमवार की सुबह से बंद समर्थक सड़कों पर निकल आए हैं और दिन चढ़ने के साथ ही अब बंद का असर और भी ज्यादा गहराने लगा है। आज के बंद को लेकर विपक्षी दलों के कार्यकर्ता व समर्थक सुबह से ही सड़कों पर निकल आए हैं। बंद समर्थक जगह जगह सड़क जाम व आगजनी कर रहे हैं। कई रेलवे स्टेशनों पर आरएलएसपी के कार्यकर्ता सुबह से ही ट्रेन रोकने लगे। पटना के चितघोड़ा गोलंबर पर भी आगजनी की गई। महागठबंधन के कार्यकर्ता बांस बल्लों के साथ सड़क जाम कर रहे हैं। बक्सर में विरोध में कार्यकर्ताओं ने घंटों तक दो ट्रेनों को रोके रखा। बाद में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर दोनों ट्रेनों को रवाना किया। दरअसल शनिवार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने आक्रोश मार्च निकाला था। राजधानी पटना में किए गए इस मार्च के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई थी जब पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस को कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसमें आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भी चोटें आईं। अब उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। वहीं शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई की कार्रवाई, अब ममता बनर्जी बना मोदी सरकार बन चुकी है। कोलकाता में रविवार शाम से ही पुलिस और सीबीआई के बीच हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी के धरने पर बैठने के साथ ही इस मामले ने देश की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। देश के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे बड़ी जांच एजेंसी के 5 अधिकारियों को राज्य की पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता सरकार के बीच जंग जारी है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री रविवार रात से ही धरने पर बैठी हुई हैं। इस बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई से कहा कि वो कार्रवाई से पहले कमिश्नर के खिलाफ पुख्ता सबूत लेकर आए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार बनाम सीबीआई के बीच छिड़ी जंग के मामले में अब कांग्रेस भी दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जहां सीएम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी डाकुओं और चोरों के साथ खड़ी है। ममता बनर्जी बनाम सीबीआई मुद्दे पर चल रही राय पर कांग्रेस में दो पाड़ नजर आ रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जहां ममता बनर्जी के साथ खड़ा होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के सुर कुछ अलग ही सुनाई दे रहे हैं। राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष के नेता जहां ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार के रवैये और सीबीआई पर कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को दखल देते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ममता सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि मामले को गर्माता देख कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर उन्हें अपना समर्थन दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, तो फिर अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग केंद्र सरकार से क्यों कर रहे हैं। इससे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ममता बनाम सीबीआई के मुद्दे पर एक नहीं है। वहीं जहां पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और शीतलहर से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं कोहरे ने भी अब जबरदस्त तरीके से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सोनीपत में जबरदस्त कोहरा छाया रहा। वहीं कई जगह गाड़ियों के आपस में भिड़ने की खबर भी आई है।
सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते कई स्थानों पर विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रही। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। वहीं घने कोहरे का असर ट्रेन के साथ हवाई यातायात पर भी पड़ा। इसे सीजन का सबसे घना कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे के चलते सोमवार को जहां दिल्ली आने जाने वाली 27 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। हालांकि किसी फ्लाइट को रद्द नहीं किया गया। आलम यह रहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे पर खड़े विमान भी काफी देर तक उड़ान नहीं भर पाए। वैसे मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली NCR में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वहीं CBI वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई के बीच CBI को नया निदेशक मिल गया है। CBI के नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने सोमवार सुबह कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने शनिवार को ऋषि कुमार शुक्ला को CBI चीफ बनाया था। नया CBI प्रमुख चुनने वाले समिति में PM मोदी के अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। आलोक वर्मा के इस्तीफे के बाद PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति ने मध्य प्रदेश के पूर्व DGP ऋषि कुमार शुक्ला को CBI का निदेशक नियुक्त किया है। सोमवार को ऋषि कुमार शुक्ला ने CBI के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव से भी सभी चार्ज ले लिए हैं। आपको बता दें कि PM मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने ऋषि कुमार शुक्ला के नाम पर अंतिम मुहर लगाई थी। इस समिति में PM के अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ऋषि कुमार के नियुक्ति के विरोध में थे, लेकिन आलोक वर्मा को हटाए जाने के फैसले की तरह ही ऋषि कुमार की नियुक्ति भी 2-1 के निर्णय से हुई। वैसे ऋषि कुमार शुक्ला ने ऐसे समय में CBI की जिम्मेदारी संभाली है जब एजेंसी और कोलकाता पुलिस के बीच विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।